सर ये आपका ऑर्डर है। तुम धीरज, ये तुम्हारा घर है? हाँ ये मेरा घर है, लेकिन ये क्या तुम डिलीवरी कर रही हो? बस मैं अब यही काम करती हूँ, ये रहा तुम्हारा ऑर्डर। लेकिन ऐसी भी कौन सी मजबूरी होगी जो तुम्हें ये काम करना पड़ रहा है? क्यों, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें तो ये सब देखकर अच्छा ही लग रहा होगा ना, क्योंकि मैंने तुम्हें किसी लड़के के लिए छोड़ दिया था और तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड ये डिलीवरी का काम कर रही है, तुम्हें तो बहुत अच्छा लग रहा होगा ना। यार मैं खुश क्यों होऊंगा, मैं तो कंफ्यूज हूँ तुम्हें देख के कि तुम ये काम कर रही हो। अरे लगता है ना अच्छा जब कोई तुम्हें किसी के लिए छोड़कर चला जाए और फिर उसकी हालत ऐसी हो जाए। तुम्हारे दिल को तो बहुत तसल्ली मिल रही होगी। आखिर हुआ क्या है तुम मुझे बताओ। इन सब बातों को छोड़ो, शायद तुम मुझे समझ नहीं पाई महक, मैं हमेशा तुमसे प्यार करता था और मैं ऐसा क्यों चाहूंगा कि तुम्हारे साथ बुरा हो, पर आज मुझे तुम्हारी हालत देख के ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। क्या मैं जान सकता हूँ ये सब कैसे हुआ? अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है, तुम्हारा ऑर्डर मैंने तुम्हें दे दिया, अब मैं चलती हूँ यहाँ से। महक यार तुम मुझे बताओ कि हुआ क्या है, अगर तुम मुझे बताओगी नहीं ना तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। क्यों बताऊँ मैं तुम्हें, तुम होते कौन हो मेरी लाइफ के बारे में जानने वाले? अरे क्यों नहीं बता सकती यार, तुम भूल गई क्या हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हुआ करते थे, हम सारी सुख दुख की बातें शेयर किया करते थे एक दूसरे से। आज तुम्हारा वक्त बुरा है तो क्या मेरा इतना भी हक नहीं है क्या कि मैं जान सकूं? प्लीज महक बताओ क्या हुआ है। कुछ नहीं, मुझे तो बस अपने किए की सजा मिली है। जिस लड़के के लिए मैंने तुम्हें छोड़ा था उसकी वजह से आज मेरी ये हालत हो गई है। क्या किया उसने? जिस तरह तुम मेरे प्यार में पागल थे, मैं उसके प्यार में पागल थी, और वो मुझे जो जो बोलता रहा मैं वो करती गई। उसने कहा कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा, उसे कुछ पैसे चाहिए, और मैं भी उसकी बातों में आती गई और उसके लिए लोन पर लोन लेती रही। मुझे लगा कल को वो पैसे कमाएगा, मेरे साथ रहेगा तो हम साथ मिलकर सारे पैसे चुका देंगे, लेकिन जब मेरे ऊपर पैसों का कर्जा इतना ज़्यादा बढ़ गया तो वो तो मुझे छोड़कर ही भाग गया। उसने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, यहाँ तक कि उसने तो मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया। मजबूरन मुझे पैसे वापस करने के लिए ये काम करना पड़ा, मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था ना, मैं तो कहीं भाग भी नहीं सकती थी। यार ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया उसने तुम्हारे साथ। बुरा तो मेरे साथ होना ही था ना, मैंने तुम्हारे प्यार की कदर नहीं की और उसने मेरे प्यार की। जो इंसान बुरा करता है उसके साथ भी बुरा ही होता है, और ये बात ना मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। नहीं मैं, तुमने कुछ नहीं बुरा किया यार, उस टाइम हालात ही ऐसे बन गए थे और वक्त के साथ वैसे भी चीजें तो बदलती ही है ना, हम इसमें किसी इंसान को दोष नहीं दे सकते। मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। नहीं नहीं मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, और मैं किस हक से तुमसे मदद मांगू? यार मैं तुम्हें इस हालात में भी तो नहीं देख सकता ना। यार मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम मुझे बताओ कितने पैसे चाहिए हैं। नहीं धीरज, तुमने मुझसे इतना पूछने मेरे लिए वही बहुत है, मैं चलती हूँ। महक अच्छा ठीक है, तुम मुझसे पैसे नहीं लेना चाहती, लेकिन तुम्हें याद है जब हम आखिरी बार मिले थे और मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया था और वो गिफ्ट लेने से तुमने मना कर दिया था? मैंने वो गिफ्ट आज भी संभाल के रखा हुआ है, कम से कम वो गिफ्ट तो लेती जाओ। लेकिन धीरज अब मैं वो गिफ्ट तुमसे कैसे ले सकती हूँ? वो गिफ्ट मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लेके आया था और मैं चाहता था कि वो गिफ्ट सिर्फ तुम्हें ही दूँ, तो एक एहसान तो मुझ पे कर ही सकती हो ना, वो गिफ्ट तो ले जाओ। अगर तुम नहीं लेके जाओगी तो गिफ्ट ऐसे ही पड़ा रहेगा, किसी काम का नहीं है, प्लीज। अच्छा ठीक है तुम 2 मिनट रुको, मैं भी आता हूँ। कहाँ रह गए, अभी तक आए भी नहीं, लेट हो रहा है मुझे। ये लो, थैंक यू जो तुमने इस गिफ्ट को एक्सेप्ट किया। थैंक यू तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए, जो तुमने मुझे इस गिफ्ट के काबिल समझा, थैंक यू। आखिर इसमें होगा क्या, एक बार खोल के देखते हैं। कागज, ये सारे पैसे, इन पैसों को तुम रख लो, तुम्हें इन पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, ये पैसे तुम्हारे काम आएंगे।
देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें ऐसे परेशान नहीं देख सकता, तो इन पैसों से तुम अपना कर्ज उतार देना जो तुमने लिया है और अपना ध्यान रखना। और हाँ, आगे से किसी पे भरोसा करने से पहले 100 बार सोच लेना।